बड़ी खबर आ रही लखनऊ से। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता का KGMU में चल रहा इलाज। अयोध्या पीड़िता का गर्भपात DNA सैंपल लिया गया। KGMU के क्वीन मैरी अस्पताल में भर्ती है पीड़िता का गर्भपात के बाद भ्रूण का सैंपल लिया गया। DNA की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर होगी कार्रवाई। सोमवार को दुष्कर्म पीड़िता को KGMU रेफर किया गया था। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता के पेट में 12 सप्ताह का था गर्भ। जांच में सब कुछ सामान्य होने पर गर्भपात कराया गया। फिर से बता दें बड़ी खबर आ रही है 24/7 लाइव टीवी पर। लखनऊ से अयोध्या गैंगरेप पीड़िता का KGMU में चल रहा इलाज। KGMU के क्वीन मैरी अस्पताल में भर्ती है पीड़िता। अयोध्या पीड़िता का गर्भपात DNA सैंपल लिया गया। पीड़िता का गर्भपात के बाद भ्रूण का सैंपल लिया गया। DNA की रिपोर्ट के आधार पर दोषियों पर होगी कार्रवाई। सोमवार को दुष्कर्म पीड़िता को KGMU रेफर किया गया था। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता के पेट में 12 सप्ताह का था गर्भ। जांच में सब कुछ सामान्य होने पर गर्भपात कराया गया। 24/7 लाइव टीवी पर ब्यूरो रिपोर्ट।